हाय एवरीवन, मैं ऋचा गिरी। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस देखेंगे, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो यहाँ पे हम बातें करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो हमने चैप्टर 1 और 2 में फूड से रिलेटेड पढ़ा था, चैप्टर 3 में क्लॉथ से रिलेटेड पढ़ा था, और हमने इनकी वेराइटीज़ देखी थी कि फूड्स में बहुत से वेराइटीज़ होते हैं, क्लॉथ्स में भी बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। सिमिलरली, जो भी हम ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखते हैं उनमें वेराइटीज़ होती हैं। जैसे वो ऑब्जेक्ट हुए चेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर होते हैं, प्लास्टिक्स के भी चेयर होते हैं, वुड के भी चेयर होते हैं, और वुडन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होती है, प्लास्टिक्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं। सिमिलरली, बुल्लॉक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, कलर और यूसेज। हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो कि राउंड है, जैसे रबर बॉल या फुटबॉल या ग्लास मार्बल। तो ये क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए बोला गया है कि जो भी राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कैटेगराइज करना है। तो ये सारे राउंड ऑब्जेक्ट में एप्पल, ऑरेंजेस भी आ गए। ये कंप्लीट राउंड नहीं है बट राउंड टाइप के हैं। तो एप्पल, ऑरेंजेस, पिचर, और भी जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था उसमें फूड मटेरियल्स थे, वो सारे राउंड होंगे। इसके अलावा अगर हम एक विश लिस्ट बनाएं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है जो कि प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो उनमें से हो जाएगा बकेट, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अभी अभी हमने जो ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा है उसको कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और मटेरियल, कि वो किस मटेरियल से बने हैं। हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, मड, सॉयल। इसके अलावा हम और भी मटेरियल सोच सकते हैं, जैसे फैब्रिक, पेपर एट्सेट्रा। तो एक्टिविटी 1 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। एक्टिविटी 1 में देखते हैं क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है जो हमारे आसपास है। जैसे ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में मिलेंगे, क्लासरूम में मिलेंगे या स्कूल के आउटसाइड मिलेंगे। तो जैसे कुछ कलेक्शंस होगा, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो एट्सेट्रा। और उन सारे ऑब्जेक्ट को भी सोचना है जिसे हम स्कूल में नहीं ला सकते हैं या क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, जैसे ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड या कहीं और की वॉल। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है कि कौन से पेपर के बने हुए हैं या वुड के बने हुए हैं और कौन से इन दोनों में से किसी के नहीं बने हुए हैं। नेक्स्ट, टेबल 4.1 की बात की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया है उसको बताना है कि वो कौन कौन से मटेरियल के बन सकते हैं। जैसे प्लेट और पेन के बारे में बात किया है, प्लेट स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और दूसरे टाइप के मटेरियल से ही बनते हैं, और पेन प्लास्टिक और मेटल से बनते हैं जनरली। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2 की बात की गई है जिसमें ये कहा गया है कि हमें मटेरियल का नाम लिखना है और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। तो यहाँ पे जैसे वुड, तो वुड के जो भी ऑब्जेक्ट्स हम आसपास देखते हैं वो लिख देंगे। सिमिलरली, लेदर के भी लिख देंगे, प्लास्टिक, कॉटन के लिख देंगे। लेदर में बैग, शूज़, जैकेट्स एट्सेट्रा आ जाएंगे, प्लास्टिक में हमें पता है। कॉटन में भी हम कह सकते हैं, जैसे ईयरबड्स हम यूज़ करते हैं, या कॉटन मेडिकल पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, कॉटन एज अ क्लॉथ भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा 4.1 टेबल और 4.2 कंप्लीट होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे मटेरियल से बन सकते हैं और जो एक मटेरियल है वो बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी टम्बलर है या कोई भी कंटेनर जिसमें हम लिक्विड रखना चाहें उसे हम क्लॉथ से नहीं बनाएंगे, वो या तो प्लास्टिक से बनेगा या किसी मेटल से बनेगा, ताकि वो ईजिली लिक्विड कंटेन कर सके और लिक्विड उससे पोर आउट ना हो, निकले ना। सिमिलरली, जब हम कुकिंग वेसल यूज़ करेंगे तो वो पेपर के मटेरियल का नहीं बना होगा, वो या तो मेटल का होगा या तो मिट्टी का होगा। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मटेरियल जब हम चूज़ करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ को देख के चूज़ करते हैं कि किस टाइप का हम ऑब्जेक्ट बनाना है और किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।
अब हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो मटेरियल्स डिफरेंट टाइप्स के लुक्स के होते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे वुड डिफरेंट रहेगा आयरन से, या आयरन डिफरेंट रहेगा कॉपर और एल्यूमिनियम से, बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज रहेगी सारे मेटल में। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम थोड़ा सिमिलर लगेगा वुड के कंपैरिजन में। हम एक्टिविटी 3 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल कलेक्ट करना है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक एट्सेट्रा। तो क्या ये हमें शाइनी दिख रहे हैं? हमें सेपरेट करना है शाइनी वाले ऑब्जेक्ट को। और ये शाइन कैसे देखना है हमें? हमें किसी ऑब्जेक्ट को कट करना है और फ्रेशली कट ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो शाइनी है या नहीं। अगर वो शाइनी दिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मेटल के बने हुए होते हैं। तो एक तो हम कट करके देखेंगे कि उसमें शाइनिंग है या नहीं, और दूसरा उस मटेरियल को हम रब करेंगे अगेंस्ट एनी सैंड पेपर, तो अगर वो लस्ट्रस होगा तो वो मेटल हो सकता है, नहीं लस्ट्रस होगा तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में जा सकता है। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड, ये सारे मेटल्स हैं, इन्हें हम कट करेंगे तो वो शाइन करेंगे, और जो मेटल्स नहीं हैं वो नहीं शाइन करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो एयर और मॉइस्चर के जमने के कारण उनकी शाइनिंग ख़त्म होने लगती है, वो डल से लगने लगते हैं। इसलिए जब भी हमें देखना होगा, चेक करना होगा कि मेटल की कैटेगरी कौन सी हो सकती है, तो हमें उसे फ्रेशली कट करके देखना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे हार्डनेस। तो जब भी किसी मटेरियल को हम अपने हैंड से टच करते हैं या प्रेस करते हैं, तो कोई कोई आइटम या कोई कोई ऑब्जेक्ट ईजिली कॉम्प्रेस हो जाते हैं और कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है ईजिली कॉम्प्रेस नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मटेरियल ईजिली स्क्रैच्ड भी हो जाते हैं और कोई कोई मटेरियल ईजिली स्क्रैच्ड नहीं होते हैं। तो जो ईजिली स्क्रैच्ड हो जाते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो हार्ड मटेरियल होते हैं। जैसे हम देखें कॉटन और स्पॉन्ज, वो सॉफ्ट मटेरियल है, और आयरन जो है वो हार्ड है, वो ईजिली स्क्रैच नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने अपीयरेंस वाइज दो प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे लश्चर, हार्डनेस या सॉफ्टनेस। अब क्या और हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं जो अपीयरेंस वाइज हो सकता है? तो हाँ, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उनमें से एक है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना नहीं ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा मटेरियल की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से भी हम मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल जो है वो सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करेंगे, उसमें से होगा सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, तो इसको हम अलग अलग ग्लास के कंटेनर में लेंगे, जैसे ये दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 ऑफ वाटर डालेंगे और फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर डालेंगे एक में और दूसरे में सॉल्ट डालेंगे, और तीसरे में जैसे सॉडस्ट या सैंड एट्सेट्रा डालेंगे। इस तरीके से हम चेक करेंगे और उसे हम मिलाने की कोशिश करेंगे, स्टिर करेंगे कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक। तो कोई कोई ग्लास कंटेनर हमें दिखाई देगा कि उसमें से मटेरियल जो हमने डाला है वो सॉल्युबल हो गया है। जैसे हम देखेंगे सॉल्ट, तो सॉल्ट डिसअपीयर हो जाएगा उस वाटर के अंदर से और वाटर दिखेगा थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, तो इसका मतलब सॉल्ट सॉल्युबल हो गया है। शुगर में हम सेम थिंग देखेंगे कि शुगर भी डिसअपीयर हो गया है वाटर में, सैंड डिसअपीयर नहीं होगा, वो नीचे में बैठ जाएगा। चॉक पाउडर CaCO3 से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है, तो कुछ पोर्शन तो सॉल्युबल हो जाएगा बट स्टिल बहुत सारा पोर्शन जो रहेगा वो नहीं सॉल्युबल रहेगा, तो ये दिखेगा पानी में, सॉडस्ट भी दिखेगा पानी में। तो इस तरीके से हम मटेरियल को कैटेगराइज कर रहे हैं एज पर देयर सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन किया गया है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी फंक्शनिंग में, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व कर लेता है अपने आप में। यहाँ साथ ही क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जितने भी लिक्विड्स हैं क्या वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं? तो इसके लिए हम एक्टिविटी 5 देखेंगे, जहाँ पे हम कुछ सैंपल्स ऑफ विनेगर लेंगे, लेमन जूस लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और दूसरे टाइप्स के लिक्विड लेंगे। ग्लास टम्बलर में इसे हम रखेंगे और ग्लास टम्बलर को हम हाफ वाटर से फिल कर देंगे। फिर हम धीरे धीरे एक एक लिक्विड इसमें डालेंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे। इसे हम 5 मिनट्स तक छोड़ देंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे।
तो यहाँ पर टेबल में सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड इन वाटर लिखा हुआ है, विनेगर तो ये मिक्स वेल हो जाता है, लेमन जूस ये भी मिक्स वेल हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होगा वो ऊपर आ जाएगा, कोकोनट ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, किरोशन भी मिक्स नहीं होगा। तो इस तरीके से जितने भी ऑयल वाले लिक्विड हैं वो मिक्स नहीं होंगे, बट जनरली जैसे मिल्क, लेमन वाटर एट्सेट्रा या हनी भी हम इनफैक्ट डालने की कोशिश करेंगे जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कुछ लिक्विड मिक्स हुए और कुछ नहीं मिक्स हुए। यहाँ पे बूजो सजेस्ट कर रहा है कि जो एक्टिविटी 5 में दी गई हैं लिक्विड्स उसको दूसरे लिक्विड से मिक्स करने के लिए और देखने के लिए वो मिक्स होता है या नहीं है वाटर के अलावा। तो हम देखेंगे कुछ लिक्विड मिक्स हो रहे हैं दूसरे लिक्विड्स में वाटर के अलावा और कुछ नहीं होंगे। या सिमिलरली पहेली भी क्यूरियस है ये जानने के लिए क्या गैस भी डिसॉल्व होते हैं वाटर में। इसका आंसर होगा यस। और जो इम्पॉर्टेंट गैस डिसॉल्व होता है वाटर में वो है ऑक्सीजन। इनफैक्ट जो ऑक्सीजन वाटर में अवेलेबल है उसी के कारण वाटर में एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। जो फिशेज हैं वो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन को गिल से इनहेल करती है और इस तरीके से उनकी लाइफ पॉसिबल होती है वहाँ पे। तो बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या जू प्लैंक्टन्स हैं या जितने भी अदर स्पीसीज है वाटर के अंदर वो ऑक्सीजन एब्जॉर्व करता है, इनहेल करता है। ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स मे फ्लो और सिंक इन वाटर। तो जो ऑब्जेक्ट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में वो या तो फ्लोट करेंगे या तो सिंक करेंगे, वो डूब जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जो कि सिंक करेंगे, जैसे कीज हुआ, कॉइन हुआ या कोई भी मेटल की चीज़ें वो डूब जाएंगी, नेल हुआ वो डूब जाएंगी। बट जैसे कुछ फ्रूट्स हुए या लीफ हुआ जो ऊपर से गिरता है, और जो फ्लोटिंग मटेरियल हुए उनमें एग्जाम्पल्स हुए टायर ट्यूब, लीव्स या बॉल, प्लास्टिक बॉल्स या वुडन बॉक्स, ये सारे फ्लोट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करने का ये भी तरीका है अपीयरेंस वाइज। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से ले लें और सामने में देखने की कोशिश करें, अगर आर पार कुछ दिखता है यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है इस तरीके से, और आर पार नहीं दिखता है तो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसल्यूसेंट, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत आर पार दिख रहा है बट क्लियरली विजिबल नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्लियर चीज़ें हैं, क्या क्लियर ऑब्जेक्ट है सामने में, वो पूरी तरह से विजिबल नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं शॉपकीपर वाले स्टोर के बारे में कि शॉपकीपर है वो टॉफीज या कुछ आइटम ऐसे वाले कंटेनर में रखता है जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास के भी हो सकते हैं या प्लास्टिक्स के भी हो सकते हैं, ताकि कस्टमर देख के डिमांड करे कि हाँ उन्हें ये चाहिए या उसे ईजिली पता चल जाए कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है इस शॉप में और वो खरीदे। तो ये बस ट्रांसपेरेंट को बताने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। आगे हम देखेंगे तो कुछ मटेरियल या ऑब्जेक्ट जिनसे हम देख पाते हैं वो है ट्रांसपेरेंट, और जिनसे हम नहीं देख पाते हैं वो है ऑपेक। नेक्स्ट एक्टिविटी 6 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे शीट ऑफ पेपर लेना है और उसमें देखने की कोशिश करना है विद द हेल्प ऑफ बल्ब, लाइटन बल्ब। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें कुछ दिखता है या नहीं। फिर हम उसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल डालेंगे और उसे फैला देंगे, और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइटेंड बल्ब। तो हम देखेंगे कि थोड़ा कुछ दिख रहा है कंपैरेटिवली पहले वाले सिनेरियो से, जैसे बिना ऑयल डाले हुए हमने देखने की कोशिश की थी और ऑयल डालने के बाद हमने देखने की कोशिश की, तो ऑयल डालने के बाद हमें कुछ कुछ दिख रहा है। तो कुछ कुछ दिखने का मतलब है ट्रांसल्यूसेंट, हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है। अगर क्लियरली दिखता किसी मटेरियल से वो ट्रांसपेरेंट होता, और क्लियरली नहीं दिख रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है वो ऑपेक है, और लिटिल बिट दिख रहा है बट क्लियरली नहीं वो ट्रांसल्यूसेंट है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है और पहेली ने सजेस्ट किया है कि जब हम हाथ को कवर करेंगे किसी ग्लास टॉर्च पे और फिर हम पाम को देखेंगे डार्क प्लेस में, तो ये किस टाइप के मटेरियल का काम कर रहा है, ऑपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। तो ये
ट्रांसल्यूसेंट का काम कर रहा है, क्योंकि हमें क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है कि अंदर में किस टाइप की लाइट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट हुआ। तो इस तरीके से हमने बात किया सॉलिबिलिटी इनसॉलिबिलिटी की, ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट की। उसके अलावा हमने और भी फिजिकल अपीयरेंस वाले प्रॉपर्टीज़ देखे, जैसे हार्डनेस हुआ, लश्चर ऑफ एनी मटेरियल हुआ। तो ये चैप्टर इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। आगे हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जो भी हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के बने होते हैं। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और कुछ मटेरियल्स कुछ एक ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटेरियल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं बट कुछ नहीं होते हैं। कुछ मटेरियल रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ मटेरियल जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ नहीं सॉल्युबल होते हैं। कुछ मटेरियल जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट है और कुछ अदर मटेरियल जैसे वुड मेटल ये ओपेक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे ही मटेरियल हैं जो ट्रांसल्यूसेंट हैं, जो बीच की प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट और ओपेक की। मटेरियल को ग्रुप्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। कुछ मटेरियल होते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सकें। अब एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, तो ये हम इजिली बता देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि वो शाइन करते हैं या नहीं। तो इनमें से स्टील स्पून शाइन करेगा और ग्लास बाउल भी करेगा, बाकी जो प्लास्टिक टॉयल है और कॉटन शर्ट है वो शाइन नहीं करेगा। हम क्वेश्चन थर्ड भी इजिली बना लेंगे। ऑब्जेक्ट है और मटेरियल है तो उसको मैच करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट रॉन्ग होगा, वाइल ग्लास इज ओपेक उल्टा लिखा हुआ है। अ नोटबुक हैज़ लश्चर वाइल इरेजर डज नॉट, तो ऐसा नहीं है, नोटबुक में भी लश्चर नहीं होता, इरेजर में भी नहीं होता। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण ये डिजॉल्व नहीं होता है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, तो ये करेक्ट होगा, पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो ये रॉन्ग होगा। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, रॉन्ग होगा। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ये राइट होगा। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, ये भी राइट होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और मटेरियल को ग्रुप करना है, जैसे कौन कौन राउंड है, कौन दूसरे शेप्स के हैं, या कौन इटेबल है, नॉन इटेबल है, ये हम इजिली कर सकते हैं, ये एज पर द सिक्स स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन सिक्स हम इजिली कर लेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करते हैं। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करते हैं क्या वो ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करेंगे या नहीं, तो ये देखना है। क्वेश्चन सेवन में है, ऑड वन को आउट करना है। तो चेयर बेड टेबल बेबी कबोर्ड, इसमें से ऑड वन क्या हो सकता है, यहाँ पे बेबी इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। यहाँ रोज जैस्मिन बोट मैरीगोल्ड लोटस, तो इसमें क्या करना है ये आप इजिली कर लेंगे। एल्यूमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर सैंड, ये भी आप इजिली कर लेंगे। शुगर सॉल्ट सैंड कॉपर सल्फेट, ये भी आप इजिली कर लेंगे। क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी चैप्टर के ऊपर। वुजो फाउंड अ बैग कंटेनिंग द फॉलोइंग मटेरियल, तो ये सारे मटेरियल है उसके बैग में। हेल्प वुजो इन फाइंडिंग आउट द मटेरियल विच आर ओपेक, तो जो ओपेक है उसको सेपरेट करना है। तो क्या ओपेक होगा, मिरर ओपेक होगा क्योंकि वन साइड से पेंटेड होता है, उसमें हम अपनी तस्वीर देखते हैं, उस पार की कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो ये ओपेक होगा। पेपर स्टेन्ड विथ ऑयल, ये ट्रांसल्यूसेंट होगा। मैग्नेट भी ओपेक होगा, तो वन और थ्री विल बी द आंसर। ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन क्लास द टीचर आस्क पहेली टू हैंड ओवर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, तो यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल पिक करना है पहेली के लिए। तो क्या होगा, ग्लास टम्बलर ये नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट है। मिरर ओपेक है। मुस्लिन क्लॉथ ये ट्रांसल्यूसेंट होगा, ये भी। एल्यूमिनियम फॉयल भी ओपेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आयरन नेल इज केप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, इन विच केस वुड इट लूज इट शाइन एंड अपियर डल, तो आयरन नेल को किस चीज़ में डालेंगे जिससे वो अपना शाइन लूज कर लेगा और डल दिखेगा।
तो आंसर होगा सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर होता है, CO2 होता है और कुछ एसिड होता है, जिसके कारण आयरन कोरोड कर जाएगा और वो डल दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल, और ये मटेरियल को ट्रांसपेरेंट बताना है कि कौन से ट्रांसपेरेंट होंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, मिरर ये ओपेक है, स्टेनलेस स्टील भी ओपेक है, ग्लास टम्बलर ट्रांसपेरेंट होगा। तो 1 and 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट लश्रस, कौन सा मटेरियल लश्रस नहीं है। तो जो मेटल नहीं होगा वो लश्रस नहीं होगा, वुड, बाकी तीनों मेटल्स हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑड वन क्या है इनमें से, इनमें से ऑड वन जो है वो इरेजर है, बाकी तीनों मेटल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लास और विंडस्क्रीन ऑफ अ कार, तो ट्रांसपेरेंट होगा तभी ड्राइवर को दिखेगा और वो ड्राइव कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड फ्लोट इन अ टम्बलर हाफ फिल्ड विथ वाटर, तो कौन सा सब्सटेंस फ्लोट करेगा, तो ऑप्शन होगा फेदर एंड प्लास्टिक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग अ सेफ्टी पिन, तो सेफ्टी पिन हमने देखा होगा मेटल से बनता है और प्लास्टिक से बनता है, तो स्टील एंड प्लास्टिक विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, तो जो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है वो है ग्लूकोज, बाकी तीनों सॉल्युबल नहीं होते 100%। आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगे, अगर किसी काम आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विद अ बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।